आप ये 8 सवालों के जवाब उससे ले लीजिए। कितने सवाल? केवल 8 सवाल। अगर इन 8 सवालों के जवाब आपने ले लिए, 100% वो व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस में आएगा, आएगा ही नहीं काम भी करेगा बेहतर तरीके से, और जिंदगी बदलेगा आपकी भी और अपने परिवार की भी। आज इस वर्कशॉप में मैं आप सभी को यह बताऊंगा कि किसी भी गेस्ट को ज्वाइन करने से पहले आपको वो कौन कौन से ऐसे 8 सवाल पूछने चाहिए जिसके बाद आपका गेस्ट खुद बोले ज्वाइन होने के लिए। आप किसी भी गेस्ट से इन सवालों को पूछ सकते हैं, और आपका कोशिश यही होना चाहिए कि जो सवाल आप अपने गेस्ट से पूछ रहे हैं उसका जवाब आपका गेस्ट दे दे। अगर आप अपने गेस्ट से अपने सवालों का जवाब निकलवा लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि 100% ही नहीं 200% ये संभावना है कि रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो चलिए जानते हैं 8 सवाल के बारे में और स्टेप बाय स्टेप हम इसे समझ लेते हैं। आर यू रेडी? क्या आप लोग तैयार हैं इन 8 सवालों को? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। हमारे कोच पार्टनर तो बोल सकते हैं माइक ऑन करके। यस सर, यस सर, आई एम रेडी सर, आई एम रेडी सर, यस सर, सर, यस गुड डे, यस गुड डे। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं इन 8 सवालों की ओर, जहां से हमारी किस्मत का ताला खुलने वाला है और कहीं ना कहीं हमें चाबी मिलने वाली है अपनी किस्मत को खोलने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहला सवाल, सवाल नंबर 1, क्या सच में आप अमीर बनना चाहते हैं? अगर किसी व्यक्ति से ये सवाल आप रखेंगे तो क्या बोलेगा वो? अगर आप किसी से हाँ बोलेगा, कोई ना तो बोलेगा, किसी को लगता है ना बोलेगा? अगर लगता है तो एक बार रेजन कर ले। अगर आप किसी से ये सवाल करते हैं कि क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, अमित कुमार जी आपको लगता है कि ना बोलेगा वो? नहीं, देखिए एक भी साथी का हमारा रेजन नहीं हुआ है। महादेव ढंडारे सर को लगता है कि वो ना बोलेगा। अच्छा सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो ना बोलेगा आपसे, बताइए सर। महादेव ढंडारे सर आपका रेजेंट हुआ है, आप मुझे बताइए ऐसा क्यों बोलेगा वो? जी सर, मार्केट में बहुत सी कंपनी आएगी क्योंकि वो ऐसे झमेले में पड़ा है, अपन बोलते हैं तो वो सोचता है कि बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि हमें लूट के चले जाते हैं, इसलिए वो अपनी बात नहीं सुन पाता सर। आपको कंपनी के बारे में तो बात ही नहीं करनी सर, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हो क्या? यस सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, सवाल सुनकर ही आप रेजेंट करें। अगर आप बिना सुने सवाल का रेजेंट करेंगे तो आप उसका जवाब देने में आपको कहीं ना कहीं हिचकिचाहट होगी। और ये जो सवाल है क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, तो डियर फ्रेंड्स हमारे बीच में साथी हो रहे हैं जिनको मैं लेना चाहूंगा, उमेश पंडित सर। सर आपको क्या लगता है कि इस सवाल का जवाब क्या होगा? सम्मान्य उमेश पंडित सर पटना से आपको अनम्यूट का पॉपअप आया है। हेलो जी, नमस्कार सर, एवरीबॉडी नमस्कार, मान्य कन्ना सर नमस्कार, बहुत बहुत बधाई सर कि आप इतने पर मंच पर कुछ बोलने का मौका दिए। उमेश सर, मैंने इसलिए करवाया था, हमारी आवाज जा रही है सर। यस यस, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या क्या क्वेश्चन सर, भुला गए सर क्वेश्चन, थोड़ा से बात करने लगे। वही में आपकी स्क्रीन पे है वो क्वेश्चन, क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं? बिल्कुल सर, कौन नहीं चाहेगा सर अमीर बनना, कौन नहीं चाहेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच सर। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सवाल है ये हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे, इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे कि सर क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको यस देगा, बशर्ते आपको उसका जवाब निकलवाना है। और कहीं ना कहीं अगर आपने उसका जवाब निकलवा लिया, 100% वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। आपको ये सवाल सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बहुत छोटा सा ये सवाल लग रहा होगा, ये तो बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन फिर भी ये सवाल बहुत ही कीमती है। आपको अपने गेस्ट से यही पूछना है, क्या वाकई आप अमीर, आप अपने जीवन में अमीर बनना चाहते हैं, और आप खुद अमीर बनकर क्या और लोगों को भी सहायता करेंगे अमीर बनने में?
माय डियर फ्रेंड्स, अमीर बन जाना बहुत आसान है, परंतु लोगों को अमीर बनाने में मदद करना, सहायता करना, ये कोई नहीं करता। क्या कोई करता है कि आज अगर आप मार्केट में देख लो, किसी व्यक्ति के पास अगर ज्यादा पैसे होंगे, वो अपना राज कभी नहीं बताएगा कि वो करता क्या है और किस ट्रिक से उसने पैसा कमाया है, कैसे वो अमीर बना है, कभी भी वो किसी को नहीं बताएगा और ना ही सिखाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। पर नेटवर्क मार्केटिंग में माय डियर फ्रेंड्स, आप अमीर तो बनेंगे ही, परंतु आप और लोगों को अमीर बनाने में भी सहायता करेंगे और इसी वजह से आपकी सक्सेस आपको मिलती है। तो क्या वाकई आप खुद अमीर बनकर क्या और लोगों को भी सहायता करना पसंद करेंगे सर, कि आपके जैसे और भी लोग अमीर बने? आपको यही सवाल पूछना है कि क्या आप और लोगों को भी अमीर बनने में सहायता करेंगे? आप तो बनेंगे ही, पर क्या आप और लोगों को भी अमीर बनने में सहायता करेंगे? तो वो व्यक्ति क्या जवाब देगा? बोलेगा ही कि यस। और ये सवाल जब आप रखेंगे 100% कॉन्फिडेंशियली आपको बात करनी है, और जब आप बात करेंगे तो 100% वो व्यक्ति आपके साथ आएगा ही, वो व्यक्ति आपके साथ आएगा ही माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बेहतर तरीके से आप आगे बढ़े और आपकी टीम भी आगे बढ़े, तो ये सवाल आप उससे पूछ लीजिए। ये सवाल अगर आप पूछ लेंगे तो 100% बहुत तेजी के साथ आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से आगे जा सकते हैं। सवाल नंबर 2, मान के चलते हैं कि आप जितना पैसा कमाना चाहते थे उससे भी अधिक पैसा आज कमा रहे हैं। सवाल नंबर 2 क्या है माय डियर फ्रेंड्स, कि मान के चलिए कि आप जितना पैसा कमाना चाहते थे उससे भी अधिक पैसा आज कमा रहे हैं क्या? तो जवाब क्या मिलेगा? नहीं। क्या मेरी आ रही है सर? यस सर क्लियर है। हाँ, तो मेरा सवाल नंबर 2 है कि मान के चलिए कि आप जितना पैसा कमाना चाहते थे उससे भी अधिक पैसा क्या आज आप कमा रहे हैं? अगर गेस्ट आपको ये सवाल पूछे तो आपका जवाब क्या होगा? कोस पार्टनर? नहीं। नो सर। माय डियर फ्रेंड्स, ये सवाल जब आप किसी के सामने रखेंगे तो आपको ना में जवाब देगा, ना में आपको जवाब मिलेगा, क्योंकि जो हमारी चाहत है, आज भले आपकी कोई भी नौकरी है, कोई भी प्रोफेशन आपके पास है, किसी भी तरह से आप पैसा कमा रहे हैं, परंतु जितना आप चाहते हैं उतना पैसा तो आज की डेट में नहीं कमा रहे होंगे, और जितना चाहते थे उससे अधिक नहीं कमा रहे होंगे। तो ये सवाल जब आप रखेंगे अपने गेस्ट के सामने तो वो आपको ना में जवाब देगा, और अगर वो ना में जवाब देगा 100% आपके साथ ज्वाइन करेगा। दोस्तों, तो मैं इस पर आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आप अपने माता पिता को क्या देना चाहेंगे? क्या आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश है जो आपके माता पिता से जुड़ी हुई है, लेकिन पैसा ना होने की वजह से आप अभी तक अपने माता पिता की ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाए? क्या आप चाहेंगे कि आप उन ख्वाहिशों को आप पूरा कर पाए? यही सवाल आपको अपने गेस्ट से पूछना है, क्योंकि यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके माता पिता से जुड़ा हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, आज की जनरेशन में क्या हो रहा है मैं बताता हूं आप। बच्चा जब बड़ा होता है, पढ़ाई लिखाई करता है, तब तक अपने माँ बाप के साथ रहता है, और जैसे ही वो पैसा कमाना स्टार्ट करता है, उसकी शादी हो जाती है, तो वो अपनी बीवी के साथ अलग रहना पसंद करता है। उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है, उसका चश्मा अगर टूट गया है तो उस चश्मे को ठीक कराने का उसके पास पैसा नहीं है या समय नहीं है, और अपनी बीवी की हर ख्वाहिश को वो पूरा करता है। अपने परिवार में जो माता पिता है, वो चाहते थे कि उन्होंने अपना पेट काट कर आप लोगों को आगे बढ़ाया, आपको पढ़ाया लिखाया, शादी की, अच्छी एजुकेशन, अच्छी परवरिश आपको दी, पर जब ये सारे काम उन्होंने किए और जब आपकी जिम्मेदारियां निभाने की बारी आई, तो आप अपने परिवार से अलग आ गए, और कहीं ना कहीं आज जो संयुक्त परिवार हमारे हुआ करते थे पहले की डेट में, आज हम लोग अलग अलग रहना पसंद करते हैं, अलग अलग रहना पसंद करते हैं,
और कहीं ना कहीं माता पिता की जो सपने हैं वो चाहते थे कि यार मेरा बेटा पढ़ लिख जाएगा, नौकरी लग जाएगा, तो कहीं ना कहीं मेरा घर जो है ये छोटा सा घर कहीं ना कहीं बड़ा हो जाएगा। परंतु जैसे ही लड़के की शादी की, बच्चे हुए और बच्चा अपनी बीवी को लेकर अलग आ गया और अपने लिए घर तलाशने लगा, अपने घर को बनाने की कोशिश करने लगा, पर माँ बाप ने जो आसरा बनाया था उसके बारे में सोचना उसने बंद कर दिया। कहीं ना कहीं आपके माँ बाप चाहते थे कि वो बुढ़ापे में चार धाम यात्रा जाए, परंतु माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप उनकी ख्वाहिशें पूरा कर पा रहे हैं? अगर ये सवाल आप अपने गेस्ट से रखेंगे तो डियर फ्रेंड्स, क्या आपका गेस्ट क्या जवाब देगा? मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि इसका जवाब क्या होगा। कॉस पार्टनर, क्या जवाब होगा सर? सर वो बिल्कुल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाएगा सर, इस चीज को लेकर के, क्योंकि वो भावुक भी हो जाएगा क्योंकि सवाल इतना गंभीर है सर और गहराई से जुड़ा हुआ है सर। माँ बाप जो होते हैं हमारे, पूरी दुनिया ही हमारे माँ बाप होते हैं सर, इसलिए वो ज्वाइन करेगा एक सर। ओके, और कोई साथी हमारे कोस्ट इस सवाल के बारे में कोई जवाब देना चाहे? कोई भी कोस्ट नहीं देना चाहता, क्या बात है सर। चलिए, यस सर, हमारे बीच जी दरअसल सर हो क्या रहा है, आज की जो जनरेशन जो आ रही है, शायद सर मेरे हिसाब से जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आखिरी पीढ़ी है जो माँ बाप की इज्जत भी कर रहे हैं, रिश्तेदारों की इज्जत कर रही हैं, थोड़ा बहुत पड़ोसी और समाज की इज्जत कर रहे हैं। आने वाली जनरेशन सर बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाली है, और मुझे नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लोग आज 70-80-90-90 साल के लोग आज भीख मांग रहे हैं और कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कहीं पेन बेच रहे हैं, कहीं 2-4 सब्जी लगा रखे हैं, ज़्यादा नहीं, 4-5 आलू रखे हुए हैं और 4-5 बैंगन रखे हुए हैं, इस तरह से। तो मुझको नहीं लगता सर, क्योंकि आने वाले समय में लोगों का जो माइंड है सर, वो भी बिल्कुल नई जनरेशन की जो माइंड बिल्कुल चेंज होता चला जा रहा है, उनको अपनी फैमिली से, परिवार से, इवन माँ बाप से कोई लेना देना ही नहीं रह जाएगा। तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या आने वाली है। तो अगर इन चीज़ों को अगर हम प्लान दिखाते समय उनके माँ बाप से या उनके भाई बहन से अगर मैं इन चीज़ों को अगर चर्चा करूँगा तो जाहिर बात है वो यही बोलेंगे कि हाँ समय भैया बहुत ख़राब चल रहा है, ऐसा हो सकता है और होगा, हो रहा है। तो वो खुद 2-4 एग्जाम्पल दे डालेंगे कि हमारे पड़ोस में हो गया ऐसा था, भैया पढ़ाई लिखाई किए और जा कर के वो मुंबई में शिफ्ट हो गए, वो बैंकॉक चले गए, वो वहाँ चले गए, आज तक घर पर और आए नहीं, देखे नहीं। उनकी मम्मी पापा जब एक्सपायर हुए थे तो वही जूम मीटिंग के द्वारा, मतलब वीडियो ऑन करके वहाँ पे अग्नि दी गई थी, यहाँ तक कि अपनी मम्मी पापा की मिट्टी तक नहीं पहुँच पाए सर। और मरने के बाद सर होता क्या है कि वो लोग प्रॉपर्टी बेचकर फिर वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये सारे जो हमारे हिसाब से हैं सर, ये बहुत अच्छे टूल्स काम आएंगे फील्ड में बताने के लिए। थैंक यू सो मच, बाकी सर आप गाइड करिएगा। थैंक यू वेरी मच सर। और माय डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सत्य बात है कि बहुत सारे कामों में हम आखिरी पीढ़ी है, आखिरी पीढ़ी है हम लोग, जो कहीं ना कहीं अभी आप देखेंगे बचपन में हम एक खेल खेला करते थे जिसका नाम था गिल्ली डंडा। आप में से कितने साथी हैं जिन्होंने खेला होगा? मैंने तो बहुत खेला है। आप में से कितने साथी हैं जिन्होंने गिल्ली डंडा खेला है? आखिरी पीढ़ी है हम जो गिल्ली डंडा खेले होंगे, आखिरी पीढ़ी है हम लोग जो आज साइकिल जो चलाते थे पहले तो कैंची में साइकिल चलाते थे, आखिरी पीढ़ी है हम लोग, आखिरी पीढ़ी है जो माँ बाप के साथ रह रहे हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, आने वाली जनरेशन, आने वाले जो दिन है, बहुत कुछ बदलने वाला है और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें इम्प्लीमेंट होने वाली है। और इस बदलाव के लिए आप तैयार रहें या अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें ताकि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने गेस्ट से ये सवाल पूछ लेंगे 100% वो गेस्ट आपके साथ ज्वाइन करेगा ही, जैसा कि राजकुमार सर बता रहे थे कि वो भावुक हो जाएगा कहीं ना कहीं। और जब भी आपके सामने जब माता पिता से जुड़ी कोई बात आती है तो आपकी आंखों में पानी आ जाता है, आपकी आंखें नम हो जाती है, और कहीं ना कहीं ये सवाल जब आप उनके सामने रखेंगे तो वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करेगा ही करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, सवाल नंबर 3 से पहले हम आपको ये भी समझाना चाहेंगे
कि आपका सवाल ऐसा होना चाहिए कि बस सामने वाले गेस्ट को इमोशनली आपके बिजनेस से अपने आप को कनेक्ट कर पाए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने माता पिता से जुड़ा कोई सवाल रख दिया तो वो इमोशनली आपके बिजनेस से कनेक्ट हो जाएगा। और कोई भी व्यक्ति सिर्फ परचेज ही नहीं करता, बल्कि कोई भी इंसान ये चाहता है कि वह किसी ऐसी चीज से जुड़ जाए जहां से उसका इमोशन कनेक्ट हो जाए। और आज यूटेक बिजनेस में जितने भी लीडर्स इमोशनली इस बिजनेस को कर रहे हैं, सीरियसली इस बिजनेस को कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को क्रिएट कर पा रहे हैं, विजन और मिशन के साथ इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, वो व्यक्ति यहाँ से कामयाब भी होने वाले हैं। बहुत सारे लोग कामयाब हो भी चुके हैं और कहीं ना कहीं बारी आपकी है। या नए गेस्ट को जब आप कहेंगे, वो सिर्फ आपके साथ 590 नहीं देता, उसके कई इमोशंस, कई चीजें उसकी जुड़ जाती है आप लोगों के साथ, इस कंपनी के साथ जुड़ जाती है, कई सारे सपने वो देख लेता है और उन सपनों को पूरा करने के लिए विजुलाइज करता है इस कंपनी। केवल 590 दे देने का मात्र का ये बिजनेस नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इमोशनली कनेक्ट होगा तो वह बहुत ही जल्दी आपके बिजनेस में आ जाएगा। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये सवाल करना बहुत जरूरी है, क्या आपका कोई ऐसा सपना है जो आपके माता पिता से कनेक्ट हो? आप पैसों के चलते माता पिता के सपनों को पूरा नहीं कर पाए। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप सभी पार्टनर्स में से कोई ऐसा साथी मुझे बता दीजिए जिसके माता पिता से जुड़ा कोई सपना हो, प्लीज, जिसका माता पिता से जुड़ा कोई सपना हो। अंकुश ठाकुर सर, मंडी दीप से, सर मैंने आपको अनम्यूट किया है, जरूर आप बताएं। गुड मॉर्निंग सर। सर माता पिता से जुड़ा हुआ तो सर जिंदगी में हर बच्चे का सपना रहता है सर। मेरा तो यही सपना है कि अगर माता पिता ने हमें संस्कार दिए हैं और हमें बड़ा किया हुआ है और कई मुसीबतों से मतलब झेल करके उन्होंने मतलब आज हमें इस मुकाम में पहुंचाया है कि आप स्ट्रगल करके अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें और उनका आदर करें और लास्ट स्टेज तक सर, चाहे वो बूढ़े हो जाएं, चाहे वो बीमार भी होंगे, तो लास्ट स्टेज तक सर हमें उनकी मतलब जो उनकी इच्छा होगी वो अंतिम इच्छा यही होगी कि मतलब वो कम से कम अपने माता पिता का इतना ध्यान रखे कि लास्ट में उनको खाना नसीब हो जाए सर। नहीं तो आज की डेट में तो देख रहे हैं कि जो आने वाली जनरेशन है वो तो सर मेरे हिसाब से तो ऐसा होगा ही नहीं। अभी तो सर देखो मतलब जैसे अगर किसी के घर में डेथ होती है या कुछ होता है तो अभी तो चलो सब गांव वाले या अपने रिश्तेदार आते हैं, मिलते हैं। आने वाले टाइम में तो सर हॉस्पिटल में ही जैसे वो जलाते हैं इलेक्ट्रिकल करंट के द्वारा, वैसे ही सर सिस्टम चल पड़ेगा और लाइव ही देखेगा आदमी। बाकी तो सर मेरे हिसाब से लॉकडाउन सबसे बड़ा उदाहरण है सर इसके लिए। यस यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। थैंक यू सर, मैं आपकी बात से एग्री हूं। और हमारे बीच में सिल्वर डायरेक्टर शिव कुमार ठाकुर सर भी मौजूद है। समाने सर, आपका क्या सोचना है इस बारे में? महागुरु जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरा सोचना तो सम्मानित सर ये है कि आज माँ बाप ने अपने को इतना बड़ा इस काबिल बनाया है, तो मेरा सपना तो ये है कि जिस तरीके से अपने माँ बाप ने स्ट्रगल करके अपने को इस लाइक बनाए, तो अब अपन चाहते हैं कि अपने माँ बाप को अपन वो हर खुशी दे सकते हैं कि जो वो कभी सोचा नहीं करते थे। उनके जो भी सपने हैं सारे सपनों को पूरा करने का कर्तव्य अपने कंधों पर दे दिया है माँ बाप। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, आप में से कितने ऐसे साथी हैं जिनके माता पिता को आप लोगों ने कभी ड्रेस पहनाया हो, आप उनके लिए ड्रेस खरीद कर ले गए हो, ऐसे कितने साथी हैं? दो बस। आप तो सब रेजेंट करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। और डियर फ्रेंड्स, छोटी छोटी खुशियां जो है अपने माता पिता को देना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपके लिए काफी स्ट्रगल किए हैं, काफी सारी चीजें वो अपने जीवन में उन्होंने, उनकी चप्पल अगर घिस जाती थी, उनके कपड़े अगर फट जाते थे, मैंने तो देखा है माय डियर फ्रेंड्स कि बनियान मेरे फादर की फटी हुई रहती थी, और जब मैं बोलता था पापा आपके बनियान आप नया ले लो, तो बोले बेटा अभी तो ये अच्छी है क्योंकि ये जालीदार हो चुकी है और हवा अच्छी आती है इसमें, मेरे पापा मुझे ऐसा समझाते थे। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं और कल हमारे बच्चे हमारे लिए क्या करेंगे, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आज आप अपने माँ बाप के लिए क्या कर रहे हैं। अगर इस तरह के सवाल आप किसी भी गेस्ट से पूछेंगे, वो आपके साथ इमोशनली इस बिजनेस में आएगा और कहीं ना कहीं लाइफ टाइम के लिए वो आपका बिजनेस पार्टनर बन जाएगा। और सपने जो है अगर इमोशनली आपने उसको दिखा दिए, अगर वो इमोशनली कनेक्ट हो पाया, तो आपकी ज्वाइनिंग के लिए 590 नहीं,
आप उससे जो भी बोलोगे वो करेगा और 100% आपके साथ इस बिजनेस में आएगा। आइए माय डियर फ्रेंड्स चलते हैं सवाल नंबर 3। क्या आप इज्जत कमाना चाहते हैं, रेस्पेक्ट कमाना चाहते हैं? क्या लोग आपको इज्जत की नजरों से देखें, आपकी रेस्पेक्ट करें? क्या ये जो सवाल अगर आप किसी गेस्ट से रखेंगे तो क्या बोलेगा वो? यस सर बोले, यस सर बोले। हमारे एक साथी है जो लिख रहे हैं कि मैंने ड्रेस तो नहीं दिया पर दुपट्टा दिया है, हमारे सुशीला मैम है। यस चलिए, बहुत बहुत थैंक्स मैम आपका कि कुछ तो आपने दिया है। चलिए, अरे कुछ नहीं दे पाओ तो समय तो दे ही सकते हो अपने माता पिता को, आप कुछ मत दो उनको, पर आप अपना जो समय है कुछ समय अपने माता पिता को जरूर दीजिएगा। और माय डियर फ्रेंड्स सवाल नंबर जो 3rd है वो ये है, क्या आप वाकई रेस्पेक्ट कमाना चाहते हैं? तो व्यक्ति बोलेगा ही यस, और कहीं ना कहीं दुनिया में किसी से भी जाकर पूछ लो कि ये सवाल का जवाब वो क्या देगा, वो यस में आपको मिलने वाला है। और क्या आप ये चाहते हो कि एक दिन आपका जब किसी स्टेज पर एंट्री हो तो हजारों लोग वहां पर खड़े होकर आपके लिए तालियां बजा रहे हो, कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा सर जब आप लोग आपको कंधों पे उठाकर स्टेज पर ले जाए और जब आपकी एंट्री हो तो लोग अपनी सीटों से खड़े हो जाए और आपके लिए तालियां बजाए, वो माहौल कैसा होगा, क्या कोई बता सकता है मुझे? जी सर जबरदस्त होगा सर, उस टाइम तो सर पांव से लेकर सीटों तक सपना होगा, पूरा हो जाए सर लगेगा। ये सपना होता है हर आदमी का कि जब भी मैं कहीं जाऊं तो लोग मेरे सम्मान में खड़े हो जाए और मेरे लिए तालियां बजाए। माय डियर फ्रेंड्स क्या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि आप जब जाएं तो लोग आपको देखकर खड़े हो जाएं? बाहर की दुनिया में चाहे आप कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी बड़ी आपकी रैंक क्यों ना हो, लोग आपको वहां पर उस नजर से नहीं देखते जिस नजर से नेटवर्क इंडस्ट्री में देखा जाता है। कि जब आपने देखा होगा कई सेमिनार्स में, आपने देखा होगा कई मीटिंग्स में लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं, लोग कंधों पर उठाकर ले जाते हैं और कहीं ना कहीं लोग आपकी आवाज सुनने के लिए तरसते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स क्या आप भी जीवन में ऐसा चाहते हैं? ये सवाल अगर आप अपने गेस्ट से पूछेंगे तो वो आपको यस में जवाब देगा, और जब आप स्टेज से नीचे उतरे तो हजारों लोग आपके ऑटोग्राफ के लिए वहां पर खड़े रहे, आपके ऑटोग्राफ के लिए आपस में झगड़ रहे हो, उस टाइम आपको कैसा फील होगा? लोग आपके साथ फोटो खिंचाने के लिए लड़ रहे हो, आपको कैसा फील होगा? दोस्तों आप सोच कर देखिए, क्या कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि लोग आपके साथ फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं साथ में या झगड़ रहे होते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स क्या हुआ ऐसा किसी के साथ? मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मैं सेकंड एनिवर्सरी में जब जयपुर गया था, सेकंड एनिवर्सरी में मैं जयपुर गया था एनिवर्सरी प्रोग्राम में, तो जब मेरी एंट्री उस ग्राउंड में हुई जहां पर हमारा एनिवर्सरी प्रोग्राम हो रहा था, तो वहां पर कुछ लेडीज थी, आई होप मैं जानता तो नहीं था उनको, तो वो आकर मेरे पैर छूने लगी, तो मुझे ऐसा मतलब फील होने लगा कि मैंने कहा यार, मैं उनको जानता तक नहीं था, तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा मैडम मुझे पाप का भागी मत बनाओ। और फिर उन्होंने कहा कि चंदना सर हम आपको सुना करते थे जूम सेशन में, और कई मेरे ऐसे पार्टनर थे जिनको मैं फेस टू फेस कभी नहीं मिला था, और वो व्यक्ति वहां पर मेरे साथ माय डियर फ्रेंड्स सेल्फी लेने के लिए, हमारे साथ फोटो खिंचवाने के लिए कहीं ना कहीं आगे आकर फोटो खींच रहे थे। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में भी ऐसा हो, आप चाहते हो कि लोग आपसे हाथ मिलाने के लिए, आपके साथ फोटो लेने के लिए, आपके साथ आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन में लगकर खड़े हो, तो कहीं ना कहीं क्या आप भी अपने जीवन में ऐसा चाहते हो? तो इस बात का जवाब क्या मिलेगा आप अगर आप किसी गेस्ट से ये बात पूछेंगे तो क्या जवाब होगा इसका? हमेशा यस आएगा सर, हर समय यस कहेगा, मान सम्मान पाना हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति उसके जीवन में ये चाहता है कि जब भी वो कहीं जाए तो लोग उसके सम्मान में तालियां बजाएं, लोग उसके लिए खड़े हो जाएं और कहीं ना कहीं उसके साथ सेल्फी लेने के लिए झगड़ रहे हो। तो ये सवाल बहुत ही बड़ा सवाल है और आपको अपने गेस्ट से ये पूछना है, क्या वाकई आप अपने जीवन में रेस्पेक्ट कमाना चाहते हैं? 100% ज्वाइनिंग आएगी माय डियर फ्रेंड्स,
सवाल नंबर चार, क्या आप जिंदगी भर अपने सपनों को उससे कॉम्प्रोमाइज करना पसंद करेंगे, या फिर आप सिर्फ कुछ समय के लिए अपनी प्रॉब्लम्स और चैलेंज को फेस करके जिंदगी भर के लिए अपने कंडीशन को बदलना पसंद करेंगे? ये भी सवाल बहुत पेचीदा है। और जब आप देखिए, बहुत सारे लोगों के सब सपने हैं कि वो एक अच्छी कार से ड्राइव करें, पर कहीं ना कहीं आज अल्टो में, मोटरसाइकिल में, टैक्सी में, बस में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। उनका सपना तो है कि मैं 3 BHK मकान में रहूं, 4 BHK मकान में रहूं, पर कहीं ना कहीं आज किराए के मकान में एडजस्ट कर रहे हैं। सपना तो है कि मेरे पास लग्जरियस कार हो, सपना तो है कि मेरे पास लग्जरियस घर हो, सपना तो है कि मैं देश विदेश की यात्राएं करूं, पर अपने एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जा पा रहे। तो कहीं ना कहीं माय डियर फ्रेंड्स, जब आप ये सवाल किसी के सामने रखेंगे कि आप कुछ समय के लिए चैलेंज को फेस करके अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं क्या, माय डियर फ्रेंड्स, तो वो व्यक्ति आपको यस में जवाब देगा ही देगा। और जब आपको यस में जवाब मिलेगा तो आपकी ज्वाइनिंग पक्की हो जाएगी, क्लोजिंग हो जाएगी। और आपको ये सवाल पूछना बहुत ही जरूरी है, क्या आप जिंदगी भर अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज करना चाहेंगे? चाहते तो थे कि आपके पास एप्पल का फोन हो, आईफोन हो, पर आज कहीं ना कहीं 10,000-12,000 वाले मोबाइल से आप एडजस्ट कर रहे हैं। आप चाहते हो कि आपके मोबाइल का डाटा बहुत अच्छा हो, मोबाइल बहुत अच्छा हो, पर कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे होंगे। और आप में से कई साथी हैं ऐसे जो आज इस जूम सेशन में मेरे साथ मौजूद है। चाहते तो थे कि मेरे पास एक अच्छा मोबाइल हो, पर आज आपके पास है क्या? अच्छा, कितने साथी है, ईमानदारी से हाथ खड़ा कर लो, जो चाहते हैं कि मेरे पास एक अच्छा सा मोबाइल हो पर आज पैसे की वजह से नहीं खरीद पा रहे। ईमानदारी से हाथ खड़ा कर लीजिए, देख सकते हैं आप, माय डियर फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, बहुत लंबी लाइन है। और जब ये सवाल आप किसी से रखेंगे, जब आप इतने सारे साथी अगर रेजेंट कर रहे हैं, और अगर ये सवाल आपने अपने गेस्ट के सामने रख दिया, तो वो आपके चरणों में गिर जाएगा दोस्त, 100% वो आपके साथ इस बिजनेस को इमोशनली टच में आकर बिजनेस को स्टार्ट करेगा। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज आज की डेट में कर रहा है, किसी ना किसी रूप में कर रहा है। आज आपका बेटा कह रहा है कि पापा मुझे साइकिल चाहिए, पर आप उसे साइकिल नहीं दिला पा रहे। माय डियर फ्रेंड्स, अभी मेरे बड़े बेटे का बर्थडे आया था, तो दोनों बच्चों के लिए मेरे दोनों बेटे जो है वह शोरूम पे जाकर साइकिल नई परचेज करके लाए। साइकिल थी उनके पास ऑलरेडी, पर नई परचेज करके लाए, तो मैंने कहा यार ले लो तुम्हारी पसंद से। तो कहीं ना कहीं अगर आप भी अपने बच्चों को के सपनों से अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, आपके माता पिता के सपनों से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, आप अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, आप अपनी वाइफ के सपनों से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं इस बिजनेस में की बहुत जरूरत है आप। और ये बात अगर आप बोलेंगे, 100% वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करेगा, और 590 नहीं, फिर आप जो भी बोलोगे ना वो सब करेगा। वो बात समझ में आ रही है, बोलिए। हाँ आप सोचते थे कि मेरी जिंदगी ऐसी हो, जब आपके ऊपर से कोई प्लेन निकलता था तो आप कहते थे कि मैं भी बड़ा होकर एक दिन इस प्लेन में बैठूंगा, जब आपके सामने से कोई चमचमाती गाड़ी निकलती थी तो आपका भी दिल करता था काश ऐसी गाड़ी मेरे पास भी हो और मैं भी बड़ा होकर ऐसी गाड़ी लाऊंगा। जब आपका दोस्त अच्छी साइकिल, अच्छे घर में रहता था तो आप भी कहते थे कि मैं भी बड़ा होकर ऐसा घर बनाऊंगा। क्या वाकई आपकी जिंदगी वैसी है आज? अगर ये सवाल आपने रखा अपने गेस्ट के सामने, क्या जवाब आएगा सर? एवरीबडी, नहीं नहीं है, हम सोचते थे कि हमारे माता पिता को हम 4 धाम की यात्रा कराएंगे, क्या आप करा पाए? आप सोचते थे कि मैं बड़ा होकर एक बहुत बड़ा घर लूंगा जिसके अंदर गार्डन होगा, जिसके अंदर स्विमिंग पूल होगा, जिसके अंदर हम लोग जो है पूरे परिवार के साथ मौज मस्ती करेंगे, क्या आपके पास वैसा घर है? आप सोचते थे कि बड़ी गाड़ी मेरे पास होगी, पर क्या
कार है आपके पास? माय डियर फ्रेंड्स, कार का सपना भी बहुत बड़े लोगों का होता है। और डियर फ्रेंड्स, ये सवाल आप जब अपने नए गेस्ट के सामने रखेंगे तो आपको ना में जवाब देगा, और जैसे ही उसकी ना मिले तो आप उसे यूटेक बिजनेस का प्लान दिखा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं बड़ा होकर ऐसी जिंदगी जीऊंगा, क्या आप वैसी ही जिंदगी जी रहे जैसी जिंदगी आप बचपन में सोच रहे थे? आप शुरू से ही जैसे जिंदगी जीना चाह रहे थे वैसे ही जिंदगी जी रहे? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लिख लीजिए। और जब जब भी किसी को नए प्रोस्पेक्ट को आप प्लान दिखाने जाएं, तो उससे पहले ये जो सवाल मैं आपसे आपके सामने शेयर कर रहा हूं, इन सवालों को रखिए, प्लान मत दिखाइए। प्लान नहीं देखता आदमी, कंपनी का प्लान देखकर कोई व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता माय डियर फ्रेंड्स। वो आपका डेडिकेशन देखता है, आपकी कंसिस्टेंसी देखता है, आपका लगाव देखता है, तब जाकर वो बिजनेस को ज्वाइन करता है। और कहीं ना कहीं जब ये सवाल आप उसके सामने रखेंगे तो आपको ना में जवाब मिलेगा, और जब वो ना में जवाब दे दे तो आपका ज्वाइनिंग जो है पक्का हो जाता है। सवाल नंबर 6, क्या आप अपने आने वाले जनरेशन को भी ऐसी जिंदगी देना चाहेंगे जो आज आप जी रहे हैं? बताइए सर। नहीं सर, आप नहीं देना चाहेंगे सर, बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे। जिंदगी देना चाहोगे जैसे आप जी रहे हो? माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी माता पिता नहीं चाहता कि उसके बच्चों को भी ऐसी जिंदगी मिले जैसी वो जी रहे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये सवाल आप रखेंगे 100% वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने माता पिता अपने बीवी बच्चों के लिए काम करता है। और मैं तो यूं कहूं कि आदमी जो है ना वो बेल है। बेल क्या है? बेल होता है, बेल तो देखा होगा आपने, गाय बेल, उसके एक घाणी का बेल होता है। बेल तो होते हैं पर एक घाणी का बेल होता है, उस घाणी के बेल के दोनों तरफ पट्टे होते हैं आंखों के आगे, और एक गोल चक्रे में वो चलता है। एक डंडा जो होता है उस घाणी से उसमें लगा रहता है, उसके गले में बंधा रहता है, उसको इधर उधर की कोई भी चीज दिखती नहीं, वो चलता रहता है, बस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, उसको कहां जाना है उसको नहीं पता। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग भी घाणी के बेल ही हैं। कारण क्या है? आप जितना भी पैसा कमा रहे हैं, आप अपने लिए कितना खर्च करते हैं कभी सोचा है आपने? कोई भी कॉस्ट मुझे बता सकता है कि जो आप पैसा कमाते हैं क्या उसमें से अपने लिए, अपने सपनों के लिए आप पैसा खर्च करते हैं? नहीं करते माय डियर फ्रेंड्स, मुझे पता है नहीं करते। आप अपने बच्चों के प्रति खर्च करने की कोशिश करते हैं, सब करते हैं, अपनी बीवी के सपनों को पूरा करते हैं, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने में उस पैसे को लगा देते हैं, पर अपने लिए कभी नहीं करते। सेम डेट वो जो बेल जिस तरह से वो चलता रहता है, सेम डेट हम भी अपने जीवन में चलते रहे। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी एक ही बार मिलती है, दोबारा नहीं आएगी, और इसमें रीटेक का मौका नहीं मिलता। सबसे बढ़िया बात तो ये है, जो करना है वो आपको प्रत्यक्ष में करना है, रीटेक वापस आकर नहीं कर सकते आप। आप 30 साल की उम्र में वापस नहीं जा सकते, मैं नहीं जा सकता वापस। आज 44 साल 44 साल मेरा उम्र है, पर मैं आज मेरे 25 साल की उम्र में नहीं जा सकता, रीटेक करने का मौका नहीं मिलता। तो जीवन को अगर मिला है ना, तो इसको अच्छे से जिए आप, और कहीं ना कहीं आपकी जो आने वाली जनरेशन है उसे भी अच्छा जीवन दे। और अगर ये सवाल आप रखेंगे तो वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करेगा ही। जैसे आप बचपन से लेकर अभी तक जी रहे हैं, या बचपन से लेकर अभी तक के बीच में जितने भी प्रॉब्लम्स फेस करने को आपको मिले हैं, क्या आप ये चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को भी वैसी जिंदगी दें, ये सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिले, या फिर आप ये चाहते हैं कि अपने बच्चों को इससे बेहतर, इससे अच्छा जिंदगी दें? आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखना है, आपको इन सवालों को पूछकर अपने गेस्ट से इन सवालों का जवाब उगलवाना है। और जब आप अपने गेस्ट से ये सवाल पूछेंगे और वह आपको सवालों का जवाब दे देंगे, तो आप ये समझ जाएंगे कि आपका रिजल्ट जो है 100% आएगा। इसीलिए जवाब सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी गेस्ट से अपना सवाल पूछकर उस सवाल का जवाब निकलवा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि सवाल पूछ लेना एक आम बात है, पर उसका जवाब निकलवाना अलग बात है। माय डियर फ्रेंड्स, 7वां जो पॉइंट है वो ये है कि आपको जो सवाल पूछना है, क्या आप प्रॉब्लम और ड्रीम में से किसे चुनना पसंद करेंगे? समस्या चाहते हैं या समाधान चाहते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, हर व्यक्ति अपने ड्रीम को चुनेगा, प्रॉब्लम को कोई चुनना नहीं चाहता। हर व्यक्ति अपने कामयाबी को चाहेगा, और जब वो आपको यस में जवाब देगा, वो आपका रिजल्ट 100% आएगा। और
आपको अपने गेस्ट से ये पूछना है कि अगर आपके सामने प्रॉब्लम और ड्रीम दोनों ऑप्शन रख दिए जाए तो इस दोनों में से आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन चुनना हो तो आपको कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, प्रॉब्लम या ड्रीम? आप क्या चुनेंगे सर, कोच पार्टनर? ड्रीम चुनेंगे सर, ड्रीम चुनेंगे। पसंद करेंगे, अगर आप ड्रीम चुनना पसंद करेंगे तो आपका गेस्ट भी आप वो भी ड्रीम ही चुनना पसंद करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप अपने गेस्ट से ये सवाल करेंगे तो आपका गेस्ट भी आपसे यही बोलेगा कि ड्रीम, और जब आपके गेस्ट से ये बोले तब आप उनसे ये बोलिए कि आप जैसे ही ड्रीम को चुने वैसे आप प्रॉब्लम को भी चुन लिए, क्योंकि सपना जो है वो समस्या के बिना आपको नहीं पूरा होता दोस्त। अगर आपने ड्रीम चुना है तो प्रॉब्लम आएगी आएगी, और क्योंकि ड्रीम बिना प्रॉब्लम के पूरा नहीं होता, अगर आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है इसका मतलब अभी तक आपका कोई सपना पूरा हुआ ही नहीं, कोई ड्रीम आपने चुना ही नहीं। अगर आपकी जिंदगी में एवरेज लाइफ आपकी चल रही है तो आप अभी तक आपका कोई सपना बनाया ही नहीं आपने, और जिस दिन आप अपने सपने को चुन लेंगे बना लेंगे आपके जीवन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ड्रीम बिना प्रॉब्लम के पूरा नहीं होता, और अगर अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो इसका मतलब आपने ड्रीम को चुना ही नहीं, क्योंकि ड्रीम बिना प्रॉब्लम के नहीं आती। आपको अपने गेस्ट को ये समझाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि सर ड्रीम पूरा करने के लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आज इस जूम सेशन के लिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं ये जूम सेशन चालू नहीं करता तो मैं भी आप लोगों की तरह आराम से 8 बजे उठता और बिना कॉल किए किसी को मैं भी जूम मीटिंग में आकर बैठ जाता, परंतु इस जूम सेशन के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, टॉपिक चुनने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने जीवन में कामयाबी चाहते हैं, अपने गेस्ट को अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं, तो ये सवाल उसके सामने रखिए कि सर आप प्रॉब्लम को चुनना चाहेंगे या ड्रीम को चुनना चाहेंगे, और उसके समझाइए कि अगर आपने ड्रीम को चुना है तो प्रॉब्लम अपने आप स्वतः आ जाएगी, क्योंकि बिना प्रॉब्लम के ड्रीम अचीव नहीं होता। माय डियर फ्रेंड्स, ये सवाल नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछना है। सवाल नंबर 8, आपकी जिंदगी में कैसे लोग सबसे अधिक इंपॉर्टेंट? ये सवाल बहुत ही जबरदस्त है, हर व्यक्ति का अलग अलग जवाब मिलेगा आपको इसमें। कोई व्यक्ति कैसे व्यक्ति चाहता है, क्योंकि सोच पे डिपेंड करता है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग लोगों को चाहते हैं, पर हर व्यक्ति कामयाब लोगों के साथ रहना चाहता है, अमीर लोगों के साथ रहना चाहता है, पढ़े लिखे लोगों के साथ रहना चाहता है, और कहीं ना कहीं माय डियर फ्रेंड्स आपको अपने गेस्ट से ये सवाल पूछना है कि आपको किस प्रकार के लोग सबसे अधिक अहमियत रखते हैं। पहले वह क्योंकि आपको विश्वास दिलाए, आपको एहसास दिलाए, आपको ये बताए कि आप इस काम को क्यों नहीं कर सकते, आप बड़ा क्यों नहीं बन सकते, आप इस बिजनेस में तरक्की क्यों नहीं कर सकते, यानी कि आपको ये सारी बातें समझाए आप उस काम को क्यों नहीं कर सकते, या फिर ऐसे लोग जो आपको ये विश्वास दिलाए कि आप किसी भी कैसे किसी भी बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं, तो आप मुझसे ये बताइए कि इन दोनों प्रकार के लोगों में से आप कौन से लोगों को सबसे अधिक इंपॉर्टेंट देते हैं, कैसे लोग आपकी जिंदगी में अहमियत रखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कौन से लोग रखते हैं, कोच पार्टनर कोई बता सकता है मुझे? जो लोग सम्मानी सर विश्वास दिलाए वो लोग, जो लोग विश्वास कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अभी आप जूम सेशन में आते हैं तो मैं ये कहता हूँ आप लोगों को कि यार यहाँ से आप डायमंड बनेंगे, आप यहाँ से कोहिनूर जाएंगे, आप यहाँ से हर वो रैंक अचीव करेंगे जो यूटेक बिजनेस ने आपके लिए बनाई है, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। और कहीं ना कहीं डियर फ्रेंड्स, आज इसी वजह से तेजी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और अगर आपने भी अपनी टीम से ये सवाल पूछ लिए 100% आप भी अब बहुत तेजी के साथ रैंक प्रमोशन करने वाले हैं। और आप मुझे इस बात को समझाइए कि वह फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग जो आपको ये समझाते हैं कि आप इस काम को नहीं कर सकते, ये काम करना असंभव है, इसीलिए आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, तो ऐसे लोग आपको फ्री में मिल जाएंगे। इन लोगों के लिए आपको एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों के लिए आपको ना तो मेहनत करने की जरूरत है ना पैसा खर्च करने की जरूरत, क्योंकि ये लोग आपको कहीं पर भी फ्री में मिल जाएंगे, या फिर आपके लिए वो सेकेंड कैटेगरी
जो लोग आपके लिए अधिक इम्पोर्टेंट है, जो आपको विश्वास दिलाते हैं, आपको ढांढस बंधवाते हैं, आपको ये समझाते हैं कि आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, आपके लिए कोई भी काम इस दुनिया में असंभव नहीं है, आप कुछ भी बड़ा कर सकते हैं, आप भी अमीर बन सकते हैं, ऐसा अगर कोई व्यक्ति आपको मिले और ऐसी बात अगर वो आपसे करता है तो माय डियर फ्रेंड्स उस व्यक्ति के साथ लग जाइए। तो ऐसे लोगों को पाने के लिए आपको कुछ पैसे खर्च भी करने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। क्या आप तैयार हैं? यस सर, यस सर, आई एम रेडी सर। और माय डियर फ्रेंड्स सर, जी सर, तो अब आप अपने गेस्ट से ये पूछें कि अब आप मुझे ये बताइए कि आपके लिए कैसे लोग सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, कौन सी कैटेगरी के लोग आपके लिए सबसे अधिक अहमियत रखते हैं। अगर ये सवाल पूछकर आप अपने गेस्ट से ये सवाल का जवाब निकलवा लेते हैं, 100% आपका रिजल्ट आएगा ही, क्योंकि जो गेस्ट होता है उसके अंदर ऐसे कई सपने होते हैं जो दफन हो चुके होते हैं, उसके अंदर कई सारी बातें दफन हो चुकी होती है, लेकिन वह उन बातों को किसी से बता नहीं पाता, क्योंकि जैसे ही गेस्ट इन सवालों का जवाब देता है तो वह रिजल्ट की तरफ चले जाता है और डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रहा होता है। ये सारे सवालों ने उसको डिसीजन मेकिंग की तरफ लेकर जाते हैं। अगर आप इन सवालों का जवाब अपने गेस्ट से निकलवा लेते हैं, 100% आपकी ज्वाइनिंग डन हो जाती है, 100% बहुत तेजी से आपका काम होता है। आपको आपका ये सवाल सिर्फ इस इंटेंशन से नहीं होना चाहिए कि मुझे सेल चाहिए, मुझे 200 रुपए चाहिए, इस वजह से आपका सेल नहीं होना चाहिए, इस वजह से आपकी ज्वाइनिंग नहीं होनी चाहिए। ये सवाल सिर्फ इस इंटेंशन से नहीं होना चाहिए कि मेरा बड़ा चेक बनेगा, ज्वाइनिंग आएगी, इस इंटेंशन से आपका सवाल नहीं होना चाहिए। आपका सवाल सिर्फ इस इंटेंशन के लिए होना चाहिए कि आप ये सवाल पूछकर अपने गेस्ट के सपनों को जगाना चाहते हैं। अगर उसके सपनों को जगा दिया तो माय डियर फ्रेंड्स, अब वो व्यक्ति आपके साथ जरूर जरूर काम करेगा ही, और आप अपने गेस्ट की मदद करेंगे उसके सपनों को, उसके सपनों तक पहुंचने में, उसको अमीर बनाने में। अगर आप सच में पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे, इन सवालों का इंटेंशन सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं होना चाहिए, इन सवालों का इंटेंशन एक सोए हुए सपनों को जगाने के लिए होना चाहिए, उसकी मदद करने के लिए होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस पर्पस से अगर आप किसी को भी इस बिजनेस में लेकर आएंगे, 200 रुपए के लिए ज्वाइन मत कराना मेरे दोस्त। अगर 200 रुपए के लिए ज्वाइन करवाओगे, ये मान लेना उस व्यक्ति की इस बिजनेस में पहले दिन मौत हो गई, जिंदगी में कभी आगे बढ़ने की वो सोचेगा नहीं, क्योंकि उसका 590 आपने लगवा दिया, फॉलो अप नहीं किया, उसको आगे नहीं बढ़ाया, उसको समझाया नहीं, तो कभी भी बिजनेस के लिए आगे आकर बात नहीं करेगा और ना ही किसी को वो इसके लिए सजेस्ट करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप किसी भी व्यक्ति से जब इस बिजनेस के लिए बात करें तो इन 8 सवालों को रखिए, उसके सपनों को जगाइए। ऐसा नहीं है कि आपने सपने जगा दिए, ज्वाइनिंग मिल गई, उसके बाद आप फॉलोअप तक नहीं कर रहे। अगर आप ये काम करेंगे, अगर उसके सपनों को पूरा करने के लिए अगर आप भी उसके साथ लग जाएंगे, 100% वो कामयाब होगा, और अगर वो कामयाब होगा तो उसकी कामयाबी में ही आपकी कामयाबी छुपी हुई है दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, ये सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में